अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड ट्यूब विद फरहा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डिलीशियस लौकी के हलवे की रेसिपी। ये बहुत ही आसानी से घर पर बनाया जा सकता है और इस हलवे की खासियत ये है कि लोग इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं लौकी के हलवा यानी कि दूधी के हलवे की रेसिपी। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को छील लें और फिर उसे वॉश कर लें अच्छी तरह से। उसके बाद उसे ग्रेटर की हेल्प से इस तरह से ग्रेट कर लें। मैंने इस टाइप की ग्रेटर का यूज़ किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक कुकर रखा है गैस पर गर्म करने के लिए। इसमें मैं 1/4 कप देसी घी ऐड कर रही हूँ। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी गर्म होने पर मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और इस तरह से मिक्स कर देंगे इसे और 4-5 सेकंड के लिए हम इसी तरह से रहने देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे ग्रेटेड लौकी, कुछ लोग लौकी को दूधी भी कहते हैं, ये हमने इसमें ऐड कर दी है। अब 4-5 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, 4-5 मिनट मैंने अच्छी तरह से भुना है और लौकी से पानी निकलने लगा है। अब इसे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला दें कुकर में और अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और अब इसे 1 सीटी आने तक हम पकने देंगे। ये देखें, सीटी आ चुकी है कुकर में। गैस को ऑफ कर दें और कुकर का प्रेशर नेचुरली रिलीज होने दें। ये देखिए, कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है, खोल कर देखते हैं। देखिए, लौकी अच्छी तरह से गल चुकी है, थोड़ा सा पानी अभी भी है लौकी में, इसे हम सुखा लेंगे। पानी सूखने तक इसे ऐसे ही ना छोड़ें, बीच बीच में इसे चलाते रहें हर थोड़ी देर में। यहाँ देखिए, लौकी का पानी लगभग सूख ही चुका है। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीन यूज़ किया है यानी कि 200 ग्राम कंडेंस मिल्क ऐड किया है मैंने इसमें। आपके पास अगर कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसमें 1/2 कप दूध और साथ में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कंडेंस मिल्क के अच्छी तरह से लौकी में मिक्स होने तक हम इसे पकाएंगे, या फिर आपने चीनी और दूध ऐड किया है तो दूध के सूखने तक इसे पकाएं। यहाँ देखिए, कंडेंस मिल्क अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है हलवे में। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 80 ग्राम खोया, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर दें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2-4 टेबल स्पून के करीब कोकोनट पाउडर। आप चाहें तो कोकोनट को ग्रेट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ देखें, मैंने हलवे को इतना पकाया है कि हलवे से घी अलग हो चुका है, हलवा बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें किसी तरह का कोई भी कलर ऐड नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें एक चुटकी ग्रीन कलर ज़रूर ऐड कर सकते हैं और साथ ही अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे इस हलवे में कोई भी ड्राई फ्रूट अच्छा नहीं लगता है सिवाय काजू के, इसलिए मैंने काजू ऐड किए हैं। आप अपनी चॉइस का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो थाली पर घी लगाकर इसे जमा सकते हैं और इसकी बर्फी भी बना सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कॉमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त दें मुझे, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।